माय चैनल तो मैंने जो MEG का सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है जिसके मैं आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रही हूँ वो है पहली MEG 5 के मैं आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और आज हमारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे जो है अटेम्प्ट अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स कॉमा कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड शेले ए डिफेंस ऑफ पोएट्री ऑन इंग्लिश लिटरेचर जिसके मार्क्स है 20। ऑफकोर्स आपके असाइनमेंट्स में 5 क्वेश्चन होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको वो 5 क्वेश्चन बताए थे, वो आपको सिलेबस में भी होंगे। और 5 क्वेश्चन को करने के हमारे पास 100 मार्क्स होते हैं, ईच क्वेश्चन में हमारे 20 मार्क्स होते हैं। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो बच्चे वीडियो में समझ ना पाए वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उन्हें PDF प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें वो असाइनमेंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और जितने जिन MEG रिलेटेड जिस सब्जेक्ट्स के भी चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे एक पढ़ाई में एक डीपनेस अच्छी लगती है, जिसको वीडियो में बेटर लगे वो उससे कर सकता है, जिसको जैसे बेटर लगे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये असाइनमेंट्स आपको फ्री मिलने वाले, बस आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि असाइनमेंट्स आपको फ्री मिलने वाले हैं, और अगर आपको असाइनमेंट्स की PDF चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ व्हाट्सएप नंबर पे। आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत, मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको सब्जेक्ट्स की PDF प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने वाले हैं, जो मैंने मेंशन भी किया और मैंने ग्रीन पेन से जो लिखा हुआ है इसके आंसर के आपको स्क्रीनशॉट लेने होंगे। आप जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब दूसरे पेज पर मूव करते हैं हम। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से भी बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाता है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाई करती थी। चलिए नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इस तरीके से आपको आइडिया आएगा कि आपको कितना लिखना है, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी फॉर यू। चलिए लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया होगा। तो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बोला, जो प्रोसीजर मैंने आपको बोला, वो फॉलो करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी आपको हेल्प की ज़रूरत चाहिए, स्टूडेंट्स से शेयर करिए, इग्नू के जो भी MEG की